साथियों नमस्कार। यहाँ पर अति अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा जी ने क्या कहा है कि तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी करने का मामला बहुत ही तीव्र गति पर है। तो साथियों मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट ये जारी नहीं कर रहे, इससे पहले ही जारी थर्ड ग्रेड का परिणाम जारी करने की सोच रहे हैं। अब देखते हैं बोर्ड ने क्या कहा। परिणाम जारी करने के लिए आरपीएससी का इंतजार नहीं करेगा। आप देख सकते हो आरपीएससी का इंतजार नहीं करेंगे। साथियों जो आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की एग्जाम ली उसका इंतजार नहीं करेंगे, बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा जी ने कहा है। इससे आगे मैं और भी आपको बता देता हूं कि इन्होंने क्या कहा है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड शनिवार को जो आंसर की जारी की है उनके ऊपर भी इन्होंने बात की थी, कौन से क्वेश्चन कन्फ्यूज थे और क्या जो इनके विद्वान थे, जो इनके विशेषज्ञ थे, उन्होंने क्या क्या कहा है कि हाँ हमें स्वीकार करनी है तो उसके बाद क्या करना है, यह भी मैं आपको बता देता हूँ। यह मामला दरअसल में यह देखा जाता है तो स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड तृतीय श्रेणी भर्ती पूरी हो चुकी है। अभ्यर्थियों की मांग है कि तीनों परीक्षाओं के परिणाम क्रमबद्ध रूप से जारी हों और ऐसे में पद खाली रहने की स्थिति नहीं बनेगी, तो यहाँ पर अधिक से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता खुलेगा। लेकिन बोर्ड अध्यक्ष कुछ और चाह रहे हैं, बोर्ड अध्यक्ष और सरकार कुछ और चाहती है, लेकिन स्टूडेंट्स कुछ और चाहता है। यहाँ पर साथ ही मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर ये जो ये आपत्ति वाले क्वेश्चन से ये बता रहे हैं कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल टीचर सीधी भर्ती परीक्षा प्रारंभिक उत्तर कुंजियों में एक भी प्रश्न अभी से गलत, इन्होंने कोई भी ना तो कोई अभी गलत माना था आंसर की में, अभी जो प्रारंभिक आंसर की निकाली थी उसमें ना कोई डिलीट किया गया था, बोर्ड के हिसाब से सभी विषयों की आंसर की ओके बताई गई है। ये कह रहे हैं कि सभी विषयों की जो आंसर की है वो ओके है, लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि ऑनलाइन आपत्तियों के बाद ही स्थिति का पता लगेगा। मतलब जिन क्वेश्चनों पर जितनी आपत्ति लगेंगी उनके प्रूफ मिलेंगे, उनके ऑथेंटिक प्रूफ मिलेंगे, तो चाहे वो विशेषज्ञ हो चाहे वो चेयरमैन साहब जी हो, मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस यहाँ पर बदलने के पूरे पूरे चांस हैं। इन्होंने एक बात और क्या कही है कि 20 से और 22 तक आपत्ति दर्ज होंगी, आपत्ति दर्ज कराने का समय है और आंसर की और उसके बाद पता लगेगा कि आंसर की जारी की गई है और उनमें कितने विकल्प गलत होते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप कितने विकल्प गलत हो सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर विकल्प चेंज भी हो सकते हैं, जब पीटीआई में विकल्प चेंज हो सकते हैं तो थर्ड ग्रेड में विकल्प क्यों चेंज नहीं हो सकते, बिल्कुल चेंज हो सकते हैं। आप जरूर देखना और आपत्ति जरूर सबको लगानी है और ऑथेंटिक प्रूफ की अगर बात की जाती है तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। धन्यवाद साथी।